अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करो कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये ट्रेन रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये हम बैक टू अपने और कंटेंट जिस पे हम रिव्यू करते आ रहे हैं। जो हमने चैनल पे हमने रिव्यू स्टार्ट किया था, तो हमने ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की थी। आज भी जो हम वीडियो लेके आए, छोटी सी वीडियो है और ये वीडियो अभी डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से ली गई है। मैंने पहले भी कहा है कि डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें। बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस लेके आते हैं और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर को उन्होंने कवर किया है, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है और करंटली भी वीडियोस आती रहती है उनकी। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये डिफरेंट जो लेक्स हैं पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये वीडियो है। छोटी सी वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान में कितने खूबसूरत लेक्स मौजूद हैं। तो फर्दर डिले के बगैर लेट्स बिगिन द वीडियो। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कुदरती हुस्न के शाहकार हवालों से नवाजा है। वादियों, पर्वतों, पहली लेक थी ये कश्मीर की रति वाली लेक थी, आई गेस। सहराओं, झीलों, झरनों और खुशगवार मौसमों की वजह से पाकिस्तान आलमी सियाहत में एक मुनफरिद खित्ते के तौर पर शोहरत पा चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम खुसूसन बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद ऐसी झीलों की जिनका हैरान कुन हुस्न सियाहों को हैरतों और मसरतों के नए जहान की सैर करवाता है। ये झीलें अपने फितरी हुस्न और दिलकशी में यकता है जो पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने में बुनियादी अहमियत की हामिल है। और तब आप लेके में हलचल से पहले वाली आउटस्टैंडिंग ब्यूटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप नॉर्थ में ट्रैवल करें, गिलगित बल्तिस्तान में वाकई अताबाद झील सन 2010 में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कुदरती तौर पर नमूदार होने वाली झील है, जो बाद अजां सियाहत का अहम तरीन मरकज बनकर शोहरत खास पा गई। बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरी इस झील का हुस्न सियाहों को बार बार खींच लाता है। बहुत डिफरेंट कलर है इस झील का, लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर की झील है, जो रिफ्लेक्शन होती है बिल्कुल इस पर्टिकुलर इस एरिया में डिफरेंट कलर होता है वाटर का। कोयटा के नजदीक चटियल पहाड़ों के बीचों बीच शानदार मनाजिर से घिरी हन्ना लेक बला की हसीन झील है, जिसके अतराफ के नजारों का दिलकश हुस्न अपनी जगह सहर जदा करने वाला है। लेकिन इस झील की पुरसुकून खामोशी इत्मीनान बख्श खुशी का बायस बनती है। कंडोल लेक सवाद जैसी हसीन वादी में वाके कंडोल लेक फितरी हुस्न की आयनादार इंतहाई हसीन झील है, जिसके अतराफ के मनाजिर और दिलकश मौसम इसकी जाज़बियत में बेतहाशा इजाफा कर देते हैं। कंडोल के हवाले से कहा जाता है कि इस झील में हर महीने एक सुनहरी बोल नमूदार होता है, इसीलिए इसे कुंडल या कंडोल लेक कहा जाता है। मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन किया है महुदन लेक की, आई बटन पे आ रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकता है, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया इस लेक के बारे में। शंग्रीला वादी गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू की हदूद में वाके है। शंग्रीला सतह समंदर से 1100 फुट बुलंदी पर है। इस झील का साफ शफाफ पानी, खूबसूरत नजारे और फरत बख्श मौसम सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन ये आर्टिफिशियल लेक है, ये आई गेस ये नेचुरल लेक नहीं है, ये सैफुल मुलुक आई गेस। झील सैफुल मुल्क आफाकी शायर मियां मोहम्मद बख्श की रोमानवी दास्तान का मरकजी किरदार है। इस झील की आलमी सियाहत में शोहरत का मवाजना किसी दूसरी झील से नहीं किया जा सकता। वादी कागान में वाके ये जादुई हुस्न की हामिल झील किसी रोमानवी दास्तानों के हवाले से भी जानी जाती है। नो डाउट बहुत फेमस है झील सैफुल मुलुक, अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन झील सैफुल मुलुक के हवाले से जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जो आजकल के लोगों ने, पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने, जो टूरिज्म बढ़ चुका है, उन्होंने वहां जाकर के बहुत ज्यादा गंदगी और जो कचरा है वो बहुत ज्यादा फेंकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो खूबसूरती है, नेचुरल जो ब्यूटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ है, आपको बहुत ज्यादा कचरा मिलेगा। तो पाकिस्तान टूरिज्म जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो हम लोग टूरिस्ट जाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम उस जगह को मेंटेन करें, जो ब्यूटीज़ है उसको मेंटेन करें। बहुत ब्यूटीफुल लेक है और नारान के साथ ही है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे अगर आप जो जीप्स होती हैं वो जीप्स आप लेके चलेंगे तो आधे घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे झील सैफुल मुलुक। और अतबाद लेक नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल लेक है, बहुत कम लेक के बारे में जिक्र किया है इसके अंदर। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके लिए ब्यूटीफुल लेक्स और ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने दो वीडियो सवात की और महोदन लेक की आई बटन में डाल दी थी, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन के अंदर जो आपको अभी वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें आपके रेफरेंस आया होगा, उन वीडियोस के अंदर भी लेक्स का काफ़ी तस्करा किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।